जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग RO ARO 2024 जो एग्ज़ाम हुआ है 11 फरवरी को, उसमें आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों का विस्तृत हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देख यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 119 है ना। यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। देखिए यहाँ पे अभिकथन ए दिया है, कारण आर दिया है। अब आपको क्या करना है, पहले इसको पढ़िएगा। देखिए, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। देखिए कथन में ये बोला जा रहा है कि जो आबादी बढ़ रही है ना, उसका अगर पेट भरना है तो क्या करना है कि जो कृषि है ना, भारत की जो कृषि है उसमें क्या करना है, आपको तकनीकी और संस्थागत सुधार करने की आवश्यकता है। ये तो कथन कहा गया। अब इसका कारण क्या कहा गया, भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। सही बात है भाई। देखिए कई क्षेत्र ऐसे हैं भारत में अभी भी जहां पर कि जो किसान है ना, ये मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। तो कथन एक सही है और कारण आर जो है ये भी सही है, और इसका एकदम सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कथन ए असत्य, असत्य बिल्कुल नहीं है। कथन ए और आर दोनों सत्य है, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सत्य भी और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कथन ए सत्य है किंतु आर असत्य, ये भी गलत हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया, यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व, गत दिवस मतलब जो एस्टरडे था उसके डे बिफोर की बात हो रही है, रविवार था, तो कल के एक दिन पश्चात के तीन दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए मान लीजिए ये हम आज पर है, ये टुडे है ना। अब बोला जा रहा है कि गत दिवस मतलब ये कल हो गया, इसके एक दिन पहले, ये एक दिन पहले की बात हो गई, यहाँ की स्थिति बताई गई, ये संडे बताया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो आने वाला कल है, देखिए यहाँ पे आने वाला कल है इससे तीन दिन बाद, एक दो तीन है ना। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा सात दिन हो गया, और आपको पता है कि जो दिन होते हैं दिन में क्या चलती है, सात की साइक्लिसिटी चलती है ना। ये सात दिन यहाँ पर सैटरडे हो जाएगा, इसके बाद की बात करेंगे तो आपको फिर से संडे मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविवार, विकल्प ए। देखिए यहाँ पे समझना कैसे, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आज जो है ना, आज के एक दिन पहले के एक दिन पहले, यहां पर संडे था, अब जो एक दिन बाद है इसके तीन दिन बाद, तो एक दो तीन, यहां पे तीन तो आपने लिया, इसके बाद की बात पूछी जा रही है। ये संडे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर से आपको संडे मिल जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया, एक्स का वाई प्रतिशत किसके वाई प्रतिशत के बराबर है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में आपने सीखा होगा परसेंटेज में, जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज जो होता है इसको अगर हम चेंज भी कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऐसे समझिए, अगर लिखा है 100 का 50%, अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको एकदम सेम इस तरीके से लिख सकते हैं, 50 का 100%, या फिर मतलब इस चीज को आप ऐसे बना सकते हैं, मतलब 100% of 50 है ना। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे दिए वाई का एक्स परसेंट किसके वाई परसेंट के बराबर होगा, बस परसेंट को इधर भेज दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा एक्स, इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो तो आप आराम से देख सकते हैं इसको यहाँ पर। देखिए आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखिए वाई का मतलब गुणा है एक्स, और परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग, ठीक। इसको बराबर करना है किसके, हमें नहीं पता है तो हम इसको क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, और गुणे वाई और बटे में 100, ठीक। देखिए y से y कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू x आ जाएगी, तो यहां से आपको फाइनल आंसर पता चल जाएगा कि x का होगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न दिया हुआ है,
एक घड़ी में प्रत्येक घंटे में एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना होगा। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर एक घड़ी है ना, घड़ी में स्थिति क्या होती है कि जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा ये चक्कर लगा लेती है, ठीक। अब यहां पर जो सेकेंड की सुई है ये 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, ये चीज याद रखिएगा। जो घंटे की सुई है, जो आवर एंड है, ये क्या करती है, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, और जो मिनट एंड है ये 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। पूरा चक्कर लगाने का मतलब है 360 डिग्री का घूम जाना, ठीक। अब एक चीज समझिएगा, जो बोला जा रहा है कि जो घड़ी है ना, इसमें घंटे की मतलब 1 घंटे में कितना आगे बढ़ जा रहा है, 4 मिनट, ठीक। इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि जब ये 64 मिनट घूम जाएगा, है ना, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 60 के बराबर, या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि 60 किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर। अब एक चीज समझिएगा, ये 60 64 के बराबर है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये 1 मिनट की अगर वैल्यू निकाली जाएगी तो यहाँ पे बटे 60 आ जाएगा, और टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 6 से कट जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 884 इसका सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प सी, ठीक। जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले आपको कुछ नहीं करना होता है, जितना देखिए आपको पहले नॉर्मल टाइम लिखना है, 60 मिनट में घूमेगा। अब जितना समय ले रहे हैं कम या ज्यादा, यहाँ पे 4 मिनट आ गया तो यहाँ पे 64 लिखेंगे, अब यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू मिल जाएगी 64/60, यही चीज यहाँ पे किया गया। और इसके बाद क्या करना है कि कितना आगे कितना पीछे कितना कोण है सब आप आसानी से निकाल लेंगे, तो 1 मिनट में 360 बनता है, 360 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कैलकुलेट करेंगे, 384 मिलेगा, इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगले देखिए, अगला प्रश्न यहां पर दिया है, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी। देखिए 5 फीट रमेश की ऊंचाई है, आपको बताना है कि नैनोमीटर में कितनी होगी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग फीट को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, है ना। तो जो 5 फीट है, 5 फीट को कन्वर्ट करना है मीटर में, या फिर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जो 1 फीट होता है इसमें 30 सेंटीमीटर होता है, या 30.5, है ना। तो अगर 5 फीट को कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 152.5 सेंटीमीटर। रमेश की ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर को नैनोमीटर में ले जाना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर है ना, यहाँ पे नैनोमीटर NM लिखा जाएगा, जो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर में होता है 10^-9 मीटर, है ना, ये नैनोमीटर की वैल्यू है। अगर यहाँ पे इसको इधर भेज दिया जाए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, है ना, तो आपको पता चल जाएगा 1 मीटर बराबर 10^9 नैनोमीटर, ये मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा, ये सेंटीमीटर दिया आपको कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे 152.5, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे, 10^-2 हो जाएगा, और गुणा कराएंगे 10^9 से। तो यहाँ पे देखिए, जब कभी भी घात का गुणा कराया जाता है तो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 152.5 गुणे 10^7 ये प्लस में रहेगा, 10^7 नैनोमीटर, ये रमेश की लंबाई हो जाएगी नैनोमीटर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, है ना। देखिए अच्छा एक चीज यहां पे और भी देखिएगा, अगर दशमलव को इधर शिफ्ट किया जाए तो 1.525 इसके बाद आप इसमें लिखेंगे 10^9 नैनोमीटर, ऐसा भी उत्तर बन सकता है। अगर यहाँ पे दशमलव की शिफ्टिंग इधर की गई होती तो आप इस उत्तर को ऐसा लिख सकते थे, यहाँ पर नहीं शिफ्ट किया गया, इस वजह से विकल्प ए सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, एक बोर्ड पर 5 समांतरली मतलब यहाँ पे ऐसे समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर रेखाएं खींची गई, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर का मतलब इस प्रकार से 5 रेखाएं खींची गई, मतलब एक दूसरे के समांतर है। इसके बाद क्या कि 5 देखिए, और इनको काटते हुए 5 समांतरली 36 रेखाएं, 36 का मतलब इस प्रकार से 5 रेखाएं खींची गई है, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग 5 रेखाएं खींच लेते हैं, देखिए 5 ऊर्ध्वाधर और 5 क्षैतिज रेखाएं खींची गई है, किन्हीं 2 निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं 2 निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। देखिए दूरी समान होने का मतलब है कि यहां पर एक वर्ग बन रहा है, यह चीज कहा गया। इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, देखिए कुल मिला जुला के यहां पे ये एक बॉक्स बनाया गया है ना, इसमें आपको पूछा गया कि वर्ग की संख्या कितनी होगी, आप आराम से काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 इधर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 ये सिमेट्रिक डायग्राम है। अब इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करना है, 1² + 2² + 3² + 4² है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 है ना, इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 30। इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 30, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर, 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दो में से किसी को नहीं पढ़ते। मतलब देखिए 12 लोग क्या
कर रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, और 15 लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और 6 लोग ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं? देखिए इसको कैसे हल करेंगे, वेन डायग्राम का एक प्रश्न है, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखिए समझिएगा, 25 लोगों का समूह है और 6 लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं कितने, जो पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ पे पढ़ने वाले 19 हो जाएंगे, क्योंकि 25 टोटल थे, 6 ने पढ़ा ही नहीं, तो 19 लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंच और अंग्रेजी ये 12 और 15 अगर इसको आपस में ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 27। 27 लोग दोनों को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें देखेंगे तो 19 कॉमन है, इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो 8 लोग ऐसे हैं ना कि जो दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक, तो 8 इसका सही उत्तर बन जाएगा। आप इसको वेन डायग्राम बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 25 टोटल थे, 6 लोगों ने क्या किया, 6 लोगों ने दोनों को नहीं पढ़ा, तो जो पढ़े लोग हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं, 19 लोग पढ़ रहे हैं। अब 12 फ्रेंच पढ़ रहे हैं और 15 लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। देखिए 19 हैं ही और दोनों मिलकर 27 बन रहे हैं, तो 19 को अगर इसमें से निकाल देंगे तो 8 लोग ऐसे हैं ना जो दो बार आ रहे हैं, तो दो बार आ रहे हैं मतलब दोनों पढ़ रहे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न 117 नंबर, यहां पे दिया लोकेश अपने घर से 15 किमी उत्तर की ओर चला, फिर आगे क्या होता है, देखिए फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किमी चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किमी चला, अंत में पूरब की ओर मुड़कर 10 किमी दूरी तय की, वह अपने घर से किस दिशा में। देखिए जब कभी भी आपसे डायरेक्शन पूछे, है ना, डायरेक्शन पूछ रहे तो आप देखिए यहाँ पे घर से पूछा है, तो जब घर से पूछा है मतलब सापेक्ष ले लिया तो आप इसका मतलब बना लेंगे डायग्राम, अगर सापेक्ष नहीं लिया होता तो इसमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए लोकेश अपने घर से उत्तर चला, मान लीजिए इसका घर है लोकेश का, यहाँ से 15 किमी गया, ठीक, ये 15 किमी उत्तर की ओर आता है, फिर क्या होता है फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किमी, देखिए पश्चिम की ओर मुड़ा और मान लीजिए 10 किमी आ गया, इसके बाद क्या होता है यहाँ से फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किमी, साउथ मुड़ा और ये 5 किमी आ गया, ठीक, इसके बाद क्या होता है अंत में पूरब की ओर मुड़ता है और 10 किमी, पूरब की ओर मुड़ा और 10 किमी मतलब यहाँ पर आ गया, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि अपने घर से किस दिशा में, तो देखिए ये इसका घर है और घर से उत्तर की ओर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, इसमें विकल्प कटा हुआ है यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसका सही उत्तर उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10, अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है। देखिए आपको ये बताना है कि आगे नेक्स्ट भिन्न कौन सा है, कि देखिए 1 से 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, मतलब 2-2 बढ़ रहा है तो आगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 से 4, 4 × 8 × 16 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 × 32, तो 9/32 इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। देखिए 3 से 5 हो गया, है ना, 2 बढ़े प्लस 2 हुए, 5 से 8 हो गया प्लस 3 हुए, इसके बाद क्या हुआ है 8 से 13 मतलब प्लस 5 हुए, 13 से 20 मतलब प्लस 7 हुए। यहाँ पे देखिएगा 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्या है, तो 20 से क्या हो जाएगा, 20 के बाद अगली अभाज्य संख्या आएगी 11, मतलब इसमें जो जुड़ने वाली संख्या है 7 के बाद आएगी 11, तो 20 और 11 31, इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगला प्रश्न है किसी वर्ष 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी। देखिए 25 अक्टूबर गुरुवार है ना, 26 को क्या हो जाएगा शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार, 29 अक्टूबर को सोमवार हो जाएगा। 29 को सोमवार है तो इससे पहले 22 को सोमवार रहा होगा, इससे पहले 15 को रहा होगा, 15 से पहले 8 को रहा होगा और 8 से पहले 1 को रहा होगा, तो ये 5 दिन ऐसे बने जहां पे सोमवार रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट यहां पर दिया है देखिए a/h, ये थोड़ा सा ब्लर है तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए a बटे एच और प्लस में यहां पर दिया वाई बटे बी बराबर में एक, एक समीकरण ये दिया, आगे दिया बी बटे वाई प्लस जेड बटे सी बराबर में एक, तो आपसे पूछा जा रहा है एच बटे ए और प्लस सी बटे जेड बराबर क्या होगा। एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन आपको निकालना है इसको आप उलट दीजिएगा, उलटने का मतलब इसको पलट दीजिएगा, तो यहां पर बन जाएगा ए बटे एच और प्लस जेड बटे सी, देखिए ए बटे एच यहां पर है और जेड बटे सी यहां पर है। अब एक चीज इसको भी आप पलट दीजिएगा, जब इसको पलटेंगे तो देखिए ये वाई बटे बी और यहां पर भी वाई बटे बी मिल जाएगा, है ना, वाई बटे बी से वाई बटे बी जब आप कैंसिल कर देंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, देखिए यहां पर ए बटे एच और यहां पर क्या हो जाएगा जेड बटे सी, और दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो एक मिल जाएगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा एक विकल्प बी। अगला प्रश्न एक निश्चित कोड में, यहां पे देखिए कॉर्पोरेशंस को क्या लिखा गया, इस प्रकार से लिखा गया, तो आपसे आपको बताना है जुडिशियल को क्या लिखा जाएगा। देखिए कॉर्पोरेशन को किस प्रकार से ऐसा लिखा गया, आप देख लीजिएगा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इसको निकाल लीजिएगा, कोडिंग का क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं, लास्ट यहां पर दिया 14 से बड़े और 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। देखिए इस प्रश्न को अगर आप मतलब यहाँ पे एपीजीपी के माध्यम से करेंगे तो आसानी से तुरंत बना लेंगे। सपोज कीजिए आपको एपीजीपी आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से देखिए 14 से बड़ा 15 है ना, अगला जो विषम आ जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 25 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 27,
आगे लिखेंगे 29, 29 के बाद 31 के बाद 33 है ना, फिर 35 प्लस में 37, 37 के बाद आप आगे बढ़ेंगे 39 के बाद 41 फिर 43, 43 के बाद 45, 45 के बाद 47 और फिर 49। देखिए ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको APGP नहीं भी आता तो भी आप कर सकते हैं। इन सबको आप जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 4 से भाग दे देंगे और देख लीजिएगा कि ये किसका वर्ग होगा, मतलब वर्गमूल बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है ना। देखिए 7% जब ब्याज मिलता है तो 5 साल में कितना हो जा रहा है, 540 हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि 9% ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए जब साधारण ब्याज होता है तो बहुत ही आसान प्रश्न बनता है। देखिए मान लीजिए धनराशि 100 रुपए थी, मतलब 100 रुपए या 100% रहा होगा। अब इसमें क्या हुआ, देखिए 7% की दर से 5 साल ब्याज मिला, 7 × 35 ब्याज मिल गया, 135 हो गया। 135% की वैल्यू कितनी आ रही, 540 ये बन रहा है। ठीक, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि देखिए 9 × 27 यहाँ पे हो जाएगा है ना, तो 127% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 540 × 135 × 127 एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 508, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। ठीक, तो देखिए ये RO एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के आसान आसान से प्रश्न थे, आपने बहुत ही आसानी से कर लिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं बने। ठीक,